हरियाणा के मेवात जिले के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी ने 10वीं की परीक्षाओं का परिणाम घोषित कर दिया है। इस बार जो परिणाम सामने आया है उसमें प्रदेश में ना तो किसी की मेरिट बन पाई है और ना ही कोई बच्चा फेल हुआ है। इतना जरूर है कि इस बार बड़ी संख्या में ऐसे छात्र छात्राएं हैं जिनको 500 में से 500 अंक प्राप्त हुए हैं। जब इस बारे में 10वीं की परीक्षा पास करने वाली छात्राओं से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि सरकार का कदम स्वागत योग्य है। कोरोना की वजह से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई थी लेकिन परीक्षाओं के लिए बच्चे पूरी तरह से तैयार थे। उन्होंने ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त की थी। अगर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड 10वीं की परीक्षा लेता तो भी उनके अच्छे अंक आते। परीक्षा परिणाम आने से छात्राएं बेहद उत्साहित हैं। उन्होंने मिठाइयां बांट कर इस खुशी का इचार किया। आपको याद दिला देते हैं कि कोरोना की वजह से इस बार इस तरह का परिणाम आया है। इससे पहले ऐसा परिणाम की कभी बच्चों ने कल्पना भी नहीं की थी। आप देख रहे हैं नुहू मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और रोजाना देखना ना भूलें मेवात जिले की छोटी बड़ी ताज़ा खबरें। मेरा नाम सानिया है, मैं 10वीं क्लास की छात्रा हूँ और हमने पेपर नहीं दिए हैं। शिक्षा विभाग ने हमें पास कर दिए कोरोना की वजह से, और हम पेपर देते तो जब भी हम मेरिट पे आते और मेरे 500 में 500 नंबर आए हैं और मैं बहुत खुश हूँ। मेरे माँ बाप भी बहुत खुश हैं और मैं शिक्षा विभाग से बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और बस मेरा नाम सुबीना है जी। मैं 10वीं कक्षा की छात्रा हूँ। हमारे एग्ज़ाम कोरोना के वजह से नहीं हुए थे। हमारा रिजल्ट कल आया था और शिक्षा विभाग ने हमें पास किया है। हम अच्छे नंबर लाए, 500 में से 500 नंबर लाए थे और हमारे माँ बाप बहुत खुश हैं, हम भी बहुत खुश हैं। हमने बहुत बहुत तरह से मेहनत की थी, हमें उम्मीद थी, हम मेहनत कर रहे हैं, हम ज़रूर बढ़िया नंबर लाएंगे। मेरा नाम नाजरीन है, मैं 10th क्लास की छात्रा हूँ। कोरोना की वजह से हमारे पेपर नहीं हुए पर सरकार ने फिर से वो पास कर दिए पर मेरे 500 में से 500 नंबर आए। मैं बहुत खुश हूँ, मेरे माता पिता बहुत खुश हैं। कोरोना की वजह से नहीं हुआ। और मेरा नाम सरना है, 10th क्लास की छात्रा हूँ। हमारा कल रिजल्ट आया और हमने बहुत मेहनत की। और किस तरह से मेहनत की आप लोगों ने? ऑनलाइन पढ़ाई की और ट्यूशन भी पढ़ा था। और कोरोना की वजह से हमारे पेपर रुक गए। और कितने नंबर आए? 500 में से 500 आए। और सरकार हमारे एग्ज़ाम लेती तब भी हम ऐसे पढ़ाई करते, और एग्ज़ाम नहीं लिए फिर भी हमने मेहनत की। और हमारे माँ बाप भी बहुत खुश हैं और हम भी बहुत खुश हैं, सरकार का धन्यवाद। क्या कोई फेल हुआ, पास हुआ? नहीं, कोई भी नहीं हुआ। कोरोना की वजह से सरकार ने, शिक्षा विभाग ने पेपर कैंसिल कर दिए। बाकी मैं चेयरमैन SMC गर्ल्स स्कूल पिनंगवा, डॉक्टर फखरुद्दीन मेरा नाम है सर। और हमारा जो शिक्षा विभाग है और जितने भी हमारे टीचर हैं बहुत मेहनती और अच्छे हैं और मेहनत करते हैं। गर्ल्स स्कूल पिनंगवा हर वक्त टॉप आता है, जब पेपर ले जाते हैं या नहीं ले जाते। अगर पेपर ले जाते तो हमारे बच्चे ऑनलाइन भी पढ़े हैं और बच्चे उसे भी ट्यूशन भी पढ़े हैं, घर भी पढ़े हैं। और टीचरों ने मेहनत की है, बच्चों को मेहनत की है, मेहनत करने की वजह से ही बच्चे अच्छे नंबर पास हुए हैं। और ये सरकार ने जो नीति सरकार ने अपनी बनाई है, कोई बच्चा फेल नहीं कर रहा, 500 में 500 देना है, तो जो शिक्षा विभाग ने फैसला कर दिया हमने मंजूर है। अगर पेपर ले जाते तो हमारे बच्चे जब भी मालिक चाहे तो टॉप आते पूरे गर्ल्स स्कूल के, ऐसी कोई बात नहीं। बच्चे हमारे होशियार हैं और शिक्षा विभाग बहुत बहुत धन्यवाद। और जो सरकार ने फैसले लिए वह ठीक है, बाकी हमारे जो टीचर हैं गर्ल्स स्कूल में जितने भी सब मेहनती हैं। चलो ये तो जो शिक्षा विभाग ने कर दिया, अगर पेपर देते तो जैसे बच्चे मेरे टॉप आते हैं
बेटियां हैं, चार चारों टॉपर आई हैं और गर्ल्स स्कूल में उन्हें शिक्षा ली है प्लस टू की, अब बीए कर रही हैं जैन कॉलेज से, इसने जेबीटी किया है। बेटा है वह भी टॉप आया, वह भी उसमें स्कूल में गवर्नमेंट स्कूल में उसमें टॉप किया था साइंस साइड में भी। और चलो पेपर लेते तो बच्चे जब भी टॉप, अभी हमने बहुत खुश है, सब हमारे बच्चे हैं और भाई 500 में 500 दिए, बहुत खुशी की बात है। कुल मिला के बच्चों की मेहनत रंग लाई और जो बच्चा पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा, सबसे बात यह है। मेरी सबसे भाई से ये दरख्वास्त है, बेटियों को खास तौर से पढ़ाओ, जो सरकार का वह चल रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इसमें योगदान दो। और मैं चेयरमैन होने के नाते और एक समाज सेवी होने के नाते सब भाई से अपील करता हूँ, बेटियों को शिक्षा जल्द से जल्द लाओ, जैसे बेटी दो घर सवार करती है।